प्रातः क्लास चल रहा था। 27 जनवरी 1968 शनिवार को छठी पीज की मध्यांत में बात चल रही थी। भक्ति मार्ग में तो वही गीता बैठ करके सुनाएंगे जिसमें नाम डाल दिया है कृष्ण का, 16 कला संपूर्ण कृष्ण बच्चे का नाम। फिर बुद्धि में ये भी बैठा हुआ है कि उनको इतनी रानियां थी, उनको भगाया, मक्खन चुराया। देखो भक्ति मार्ग की कैसी तिलसम बैठी हुई है। इतना दिन रहे हैं भक्ति मार्ग में तो बात है, वो भक्ति मार्ग की निकलना बहुत मुश्किल है। जबकि वो शांति शांति वाले तो शांति शांति करते रहते हैं। शांति चाहिए, विश्व शांति ये सम्मेलन करते रहते, तो वो आए तो पूछना चाहिए आप लोगों को क्या चाहिए, ऐसे पूछना चाहिए। वो कहेंगे विश्व में शांति हो। अरे विश्व में शांति, विश्व में शांति, ये तो बिल्कुल सहज बात है। विश्व में शांति तो विश्व में शांति तो जरूरत तब होगी जब शांति का राज्य होगा। जो राज्य करने वाले हैं वो शांत होना चाहिए ना, यथा राजा तथा प्रजा। तो कैसी शांति चाहिए, कोई चीज है एक थोड़े ही है, कोई शांति कोई हवा थोड़े ही है। अरे वर्ल्ड में शांति यानी मनुष्यों में शांति हो जाए तो शांति तो नई दुनिया में होगी ना, या इस पुरानी कलयुग की दुनिया में शांति होगी। तो तमो प्रधान बन जाते हैं कलयुग में, उस कलयुग में शांति कहां से आई है। तो नई दुनिया सतयुग में जब सतो प्रधान है तो उसमें शांति, तो उस समय विश्व में शांति थी। फिर इसलिए भेंट की जाती है नई दुनिया की पुरानी दुनिया से, सत्ययुग की झूठ खंड की कलयुग की दुनिया से, तो पता चलता है कि शांति कहां थी। तुम बच्चों के पास तो चित्र है ना राम राज्य और रावण राज्य का, तो चित्र के ऊपर रावण के ऊपर लिखो बड़े बड़े अक्षरों अशांति इन दी वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया में अलग अलग धर्मों का अलग अलग धर्मों खंडों में राज्य चल रहा है, और जिनका राज्य चल रहा है वो अलग अलग तुंडे तुंडे मतिर भिन्न अलग अलग धर्मों के। तो बताओ कितने मत मतांतर जब धर्मों के फैलेंगे तो शांति होगी या अशांति। तो देखो ये राम राज्य है, राम का अकेले का राज्य है या रावण का राज्य। रावण को अनेक सिर अनेक मत है, राम को एक सिर एक मत। तो भाई ये भी क्लियर करके रखना चाहिए,
कि वो एक मत का राज्य राम राज्य कौन से लेकर के कौन से समय तक, लिखो फलाने समय से फलाने समय तक, साफ लिखना चाहिए। संबत एक एक से संबत 2500 वर्ष, 2500 साल राम राज्य। फिर मनुष्यों की हिस्ट्री में आ जाओ, कितने साल की हिस्ट्री है उनके पास, 2500 साल की हिस्ट्री। और उस 2500 साल की हिस्ट्री में कितने धर्म कितने राज्य, अनेक धर्म अनेक राज्य अनेक धर्म पिता है। तो अनेक मतें हो गई ना, तो उसे रावण राज्य कहेंगे उसे राम राज्य कहेंगे, रावण राज्य ही कहेंगे ना, तो उसमें शांति होगी क्या शांति होगी, अशांति ही अशांति। तो जब लिखा हुआ देखेंगे कि ये 2500 साल रावण राज्य और 2500 साल रावण राज्य है, क्योंकि मूल प्रिंसिपल बातें तो यही आती है ना, तो वो बातें उनकी बुद्धि में बैठे है। वो रेजगारी की बातें हैं। 27 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। तो भाई ये है शांति और अशांति का राज्य, कंट्रास्ट बताओ, देखो क्या बोलते हैं है? उसको डालते हैं अमृत कुंभकर्ण को, है ना। अभी यही सभी पीछे चिटचैट हो जाती है। फिर देखो हंसेंगे हंसी कुड़ी करेंगे, वो जो नशा तुम चढ़ाते हो ज्ञान का, वो हंसी कुड़ी में चल करके हवा हो जाता। अब हम तो वहां स्वर्ग में जाएंगे, वो स्वर्ग तो बड़ा अच्छा है, स्वर्ग को तुमने दिखाया भी बड़ा है, इसमें अच्छा है तो बड़ा दिखाएंगे क्यों नहीं। और वो स्वर्ग तो अभी तो खत्म, अभी थोड़े ही इस दुनिया में कोई स्वर्ग है। अरे उस राम राज्य का उस स्वर्ग का खेल ही खत्म हो गया। नहीं तो उनको बैठ करके इनके ऊपर पहले में लिखो कि देखो नई दुनिया में राम राज्य में शांति थी, चित्र पर ले जाना चाहिए, यहां शांति थी राम राज्य में, और यहां देखो रावण राज्य में अनेक सिरों का जहां राज्य है वहां अशांति है। तो ये पक्का पक्का समझना है वो कौन सी जगह थी जहां शांति थी, और ये कौन सी जगह है जहां अशांति ही अशांति चिल्लाते रहते हैं शांति चाहिए शांति चाहिए। तो जो समझते हो सो लिखो, क्योंकि यहां तो एक एक को बैठ करके समझाना पड़ता है। तो देखो एक एक कहते हैं कि हमने तो ये सुना है तुम्हारे लिए है, हमने तुम्हारे लिए वो ग्लानी सुनी है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। अरे भाई तुमने जो बाहर से सुना है वो अंदर आके देखना चाहिए ना है, बाहर की बात में और अंदर की बात में फर्क हो सकता है ना। तो तुमने कहां से सुना है, है? किससे सुना है, है? मनुष्यों ने मनुष्यों से ही सुना होगा।
अरे वो कहती है अखबारों में डाला था। अरे सबने सुना अखबारों में, हमने कोई मनुष्य से एक से थोड़े ही सुना है। अनेक अखबार पढ़ते हैं तो उन अखबारों से हमने भी सुना। तो कहते नहीं, हमने कोई मनुष्य से नहीं सुना, अखबारों से सुना है। अब अखबारों में किसने डाला? कहेंगे कोई मनुष्य ने ही डाला होगा। अभी एक एक मनुष्य को कहां तक बैठ करके समझे है। ये गुलजारी लाल नंदा या जो फलानी, इनके लिए बैठ करके समझाएंगे? अब इनको समझाने में तो माथा ही खराब हो जाए, क्योंकि इन बड़े बड़े लोगों को तो समझाने में टाइम ही एकदम ज्यादा लगेगा। तो जो फिर वो अच्छी तरह से समझे वो तो गरीब आते हैं, छोटे लोग आते हैं, वो अच्छी तरह से समझते हैं। तो अच्छी तरह से समझे तो फिर दूसरों को भी समझा सके। तो उनको भी जब भी बैठ करके कान से पकड़ करके उनको सुनाओ, ये चित्र है। क्योंकि ऐसे बड़े बड़े लोगों के पास खाली हाथे जाने से कुछ समझ में उनको नहीं आएगा। तो चित्र ले जाना चाहिए है। और इन चित्रों से तो फिर ये तुम्हारा बैज बैज भी कुछ काम कर सकता है समझाने के लिए है। इससे बैज में ये लक्ष्मी नारायण का दिखलाए करके, परंतु वो बैज तो बहुत छोटा है। अंधे की औलाद, अंधों को तो फिर बड़े बड़े चित्र चाहिए। तो छोटे से ये बड़ा चित्र बहुत अच्छी चीज है, समझे ना? ये चित्र जो है बड़े बड़े, बाबा ने कहा ये चित्र तो छत इतने ऊंची बनाने चाहिए, पर इतने बड़े चित्र तो नहीं ले जा सकते। जो रेगजीन पर लपेट करके तुम ले जा सको, वो छोटे छोटे चित्र 30x40 इंच के ले जा सकते हो। तो इनके ऊपर बैठ करके समझाओ। वो जो है ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ प्रोजेक्टर, हाँ उस प्रोजेक्टर में भी इतना नहीं समझा सकेंगे है ना। कहां तक बैठ करके एक चीज के ऊपर बैठ करके समझाएंगे? तो ये तुम्हारी जो चित्रों की प्रदर्शनी है ना, ये बड़ी अच्छी चीज है। इन प्रदर्शनी के चित्रों के ऊपर समझाना है तो है, तो वो भी अच्छा। बाबा तो कहते हैं ना है, अगर वो चित्र नहीं है हैं तो वो अच्छे। सोच में भी पहले इसके ऊपर समझाना चाहिए। कौन सी चित्र? त्रिमूर्ति के ऊपर समझाना चाहिए। तो शिव बाबा का चित्र भी देख करके घड़ी घड़ी देखेंगे शिव बाबा का चित्र, तो वो चित्र उनको घड़ी घड़ी दिखलाया जाता है कि भाई ये चित्र शिव बाबा ने बनवाए हैं है? फिर इसको हटा दिया। बता के समझाई समझाई के फिर शिव बाबा के सामने ले गए। तो इन दो चित्रों में ही उनको बिजी कर दो। जब ऐसे बिजी कर देगा
अगर फिर जो हम निकल जाते हैं बाहर में और चिटचैट सी, ये जो है मजे का ज्ञान है वो चीजें दिख लाती है ना, वो मुझ जाते हैं। तो बाबा तो कहते हैं वो भी मुझते हैं जो विनाशकाली विपरीत बुद्धि मरते है। वो भी अभी नहीं समझाना चाहिए। वो चित्र जिसमें लिखा है विनाशकाले विपरीत बुद्धि विनश्यति, तो पहले तो ये चित्र भाई है कि भाई विश्व में शांति थी जो तुम मांगते थे, मांगते हो, वो कब थी? वो रावण राज्य का चित्र और राम राज्य का चित्र दिखाओ, कंट्रास्ट बताओ। आप सब लोग विश्व में शांति मांगते हो ना, और तो कुछ नहीं मांगते हो। देखो ये जो कॉन्फ्रेंस वगैरह जो भी कुछ हो रही है विश्व में शांति के लिए, वो भी बताए तो दिया, मुख्य मुख्य बातें ये हैं। तो इनके ऊपर, इन चित्रों के ऊपर खड़ा हो जाना चाहिए, आगे बढ़ना ही नहीं है जब तक वो कांध हिला करके न माने कि हाँ बात तुम्हारी ठीक है। कि ये रावण राज्य में है, जिस रावण को अनेक सिर हैं, अनेक मते हैं, है तुंडे तुंडे मत्र भिन्ना है, तो शांति होगी क्या? शांति होगी तो अशांति है, शांति होगी। तो जब वो कांध हिलावे कि ये रावण राज्य है, इसमें देश देशांतर में जो अनेक धर्म, अनेक देश, अनेक धर्म संप्रदाय, अनेक धर्म खंड है, और उनमें जो राज्य चल रहा है, प्रजातंत्र राज्य चल रहा है ना सभी देशों में, तो एक का राज्य चल रहा है या अनेकों का राज्य चलता है? प्रजातंत्र में अनेकों का राज्य चलता है, तो शांति कैसे होगी? शांति तो देखो ऐसे राम राज्य में है, जहां एक राम की है, रामलीला भी दिखाते हैं ना, तो राम को एक सिर और रावण को अनेक सिर दिखाते हैं। तो देखो इस दुनिया में जहां अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक मते हैं, वहां तो ये शांति की बात चल ही नहीं सकती है, है? तो जब तक उनकी बुद्धि में ये बात अच्छी तरह से न बैठे, तब तक आगे दूसरे चित्र पर नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर यही बात नहीं उन्होंने समझी कि इस दुनिया में शांति कहाँ होती है और इस दुनिया में अशांति कहाँ होती है, तो कुछ भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, कुछ समझेंगे नहीं। बाकी जो भी जाकर के समझाएगा ना, वो तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा अगले चित्रों पर ले जाने से। तो फिर उन चित्रों पर समझाते समझाते बच्चों का गला भी घुट जाता है। तो अभी टाइम लगता है ना एक एक को समझाने में। हाँ ये बात जरूर है कि जब पहले उनको समझावे और देखें कि इनकी बुद्धि में कुछ बैठता है, तो भाई अच्छी बात है, बुद्धि में बैठता है तो फिर समझाते रहो चित्रों के ऊपर। अगर उनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है तो फिर चला ही देना चाहिए। तो समझाने वाला भी परख शक्ति वाला होना चाहिए, पहले नंबर में फर्स्ट क्लास समझाने वाला है। ऐसे समझाने वाले एक दो तीन चार होने चाहिए एकदम प्रदर्शनी में। अब उनको कहेंगे तो अच्छे महारथी जो अच्छे समझाने वाले हैं है। फिर कोई कोई घोड़े सवार प्यादे भी तो होते हैं ना, बरोबर
तो उसमें भी समझाने वालों में अगर माताएं हों तो और अच्छी बात है। क्यों? माताएं तो गृहस्थी में होती है, और वयोवृद्ध माताएं हों तो और अच्छी बात, क्योंकि ये अनुभवी है इसे दुनिया की। तो अच्छी अच्छी जो माताएं हैं तो और अच्छी, समझाने वाली हों। कोई बाबा नहीं कहते हैं कि माताएं ही होशियार हैं या पिताएं होशियार नहीं हैं, ऐसे बाबा थोड़े कहते। नहीं, एक दो से सभी होशियार बनने वाले हैं ही हैं, और नंबर वार है। उनमें राजा भी बनने हैं, रानी भी बननी है, परंतु पहले नंबर में समझाने वाला तो चाहे रानी हो चाहे राजा हो, बनने वाला वो अच्छा ही चाहिए ना। बाकी ऐसे जो समझाने वाले हैं खक्खा खिक्खी खुक्कू है, वो तो समझ सकते हो कि ये समझाने वाले खक्खा खिक्खी खुक्कू कौन है, है? अच्छे हैं, उनको अच्छा कहेंगे नहीं, किसको भी समझाएगा है तो वो नाराज नहीं होगा। क्यों? तो वो समझते हैं ना, सुनते तो है ना सभी बहन। तो जो अच्छी अच्छी बच्चियां हैं वो तो सभी जानते हैं कि बड़ी होशियार होती है। अभी म्यूजियम में जो बाबा की मुरली चलती है, है? बाबा समझते हैं वो मोहिनी जो म्यूजियम की इंचार्ज है वो बड़ी अच्छी समझती है, और मनोहर भी बड़ी अच्छी समझती रहती है, समझाने में होशियार है ना दोनों। 27 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। तो ये जो वहां गीता बच्ची है वो भी अच्छी है, है? कहां? बाबा की बुद्धि दिल्ली में पहुंच गई, साउथ एक्शन से। गीता बच्ची बड़ी अच्छी है, वो भी अच्छी है, उनको भी जाके ये पोपटी पढ़ाई देनी चाहिए बच्चों को। बाबा ने ये डायरेक्शन दिया, सुनते तो है ना सभी कि पहले पहले ही इसके ऊपर उनको खड़ा करो, जो भी आवे वो चित्र पहले, फिर ये चित्र और पीछे, और पीछे फिर वो सीढ़ी हो तो और भी अच्छी बात है। तो वो विराट रूप का चित्र भी बहुत अच्छा, परंतु पहले तो वो विश्व में शांति की बातें तो सुने कि विश्व में शांति कहां होती है कहां नहीं होती है। तो वो चित्र तो देखें है कि जिसका राज्य था और इस दुनिया में शांति थी, तो वो तो बच्चों को बुद्धि में समझानी है। तो पहले इन चित्रों का दीदार करा, जिनके समय में बहुत शांति थी, राम राज्य में शांति थी ना विश्व में, क्योंकि वो लोग बेचारे ये तो नहीं जानते है, तो भूल गए हैं कि ये वतन कौन सा है जहां शांति ही शांति, और वो वतन कौन है कौन सा है जहां अशांति ही अशांति। तो वो बातें भी वो नहीं समझते कि शांति धाम में तो शांति ही शांति होती है, परंतु वहां विश्व तो नहीं होता, विश्व धर्म होते हैं क्या है? तो सब आत्मा आत्मा भाई भाई।
कोई अलग अलग अलगाववाद की बात ही नहीं, तो वो तो उन बातों को नहीं समझते। तो विश्व कब थी और वो सतयुग कब था जब विश्व में शांति थी, वो तो कुछ भी उनकी बुद्धि में नहीं। और पहले तुम बच्चे भी कोई जानते थे क्या? तुम भी तो कुछ नहीं जानते थे ना, सब बोलते थे। क्या बोलते थे? अरे ये दुनिया तो लाखों वर्ष की है, लाखों जन्म हो चुके हैं, लाखों लाखों फलाना ढिकाना बताते रहते थे। अरे तुम बच्चे भी तो ये लाखों लाखों की बातें करते रहते थे ना, अभी तो तुम बच्चों ने अच्छी तरह से बुद्धि में समझा है। तो तुम बच्चों को जब समझा है तो दूसरों को भी अच्छी तरह से समझाना चाहिए है? जिस बात के ऊपर बहुत बाहर की दुनिया में हंगामा है तो वो बात उनको समझाना चाहिए। तो आवाजें मारते रहते हैं विश्व में शांति है। विद्वान पंडित आचार्य प्रवचन देते हैं, वो भी अंत में बोलते हैं विश्व में शांति हो, सबका कल्याण हो। लेकिन विश्व में शांति देखो, इसके लिए कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? वो कॉन्फ्रेंस तो कब से होती आई और ढेर की ढेर करते रहते। तुम ब्राह्मणों की दुनिया में भी करते रहते और बाहर की दुनिया में भी करते रहते, और ये विश्व शांति की बातें फिर अखबारों में तो पढ़ती ही रहती है। इसने ये बोला, उसने वो बोला कॉन्फ्रेंस में, पर सारा भारत ये सारे विलायत में समझा ना है, ये विश्व में शांति के लिए कॉन्फ्रेंस होती ही रहती है। फिर विश्व में शांति कैसे हो, उससे ही तुम्हारा अभी काम है। कोई एग्जीबिशन वगैरह में तो कुछ काम नहीं होता है, नहीं वहां तो विश्व में शांति के लिए एग्जीबिशन में कितना भी तुम बड़े दुकान खोलो है, वो तो ढेर के ढेर बातें ही करती रहती है। और फिर अशांति तो बढ़ेगी ना, तो भागते रहते हैं, देखते रहते हैं, भागते जाते हैं, नए नए आते जाते हैं। तो ये ठीक है, एक एक को बैठ करके समझाओ और अच्छी तरह से समझाए करके फिर बोलो है कि याद रखो ये रावण राज्य में ऐसी है माया, तुम यहां से बाहर जाएंगे और वो माया बाहर की दुनिया में तुम्हारी बात ही बुलाई देगी। इसलिए तुमको कहते हैं कि अंदर जाकर के बैठो, बाबा के सामने जाकर बैठो, आधा घंटे के लिए बैठो, चलो डेढ़ घंटे के लिए बैठो, और पक्का निश्चय हो जाओ फिर बाहर की दुनिया में किसी की बात मत सुनो, किसकी भी, कोई भी सुना भी, कोई मंदिर हो, ठिकाने हो, यहां वहां दूर छाई, जो संत लोगों की मतें हैं सुनाते रहती, तो उन दूर छाइयों के पास मत जाओ। क्योंकि सुबह को सवेल में यहां आओ, आकर के यहां तुम्हारी बुद्धि में बात बैठे कि हाँ यहां शांति का वो
रास्ता बताया जाता है, इसमें तुम्हारा कल्याण हो सकता है। जब तुम्हारी बुद्धि में ये विश्व में शांति की बात अच्छी तरह से बैठ जाए तो फिर दुनिया में जा सकते। ओम शांति।